नो टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में क्या दिया हुआ है, टाइप फर्स्ट में क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ही पावर फंक्शन दिया होता था, लेकिन टाइप सेकंड में क्या दिया हमें, फंक्शन पावर फंक्शन है लेकिन बीच में क्या आ गया एडिशन है। तो टाइप फर्स्ट है उसमें क्या होता है, सिंगल टर्म होती है जहाँ प्रोडक्ट होता है तो हम उसमें डायरेक्टली लॉग लगा देना है, लेकिन जो जे वाली टर्म है इसमें क्या है, हम डायरेक्टली लॉग नहीं लगा सकते हैं। देखो जैसे हमें कोई फॉर्म दी हुई है यू प्लस वी है, तो अगर हम इसको लॉग लगा दे लॉग ऑफ यू प्लस वी, तो हम इसको क्या लॉग ऑफ यू प्लस लॉग ऑफ वी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्म है ना लॉग ऑफ यू इंटू बी, ये खुद किसके को आता है लॉग यू प्लस लॉग ऑफ बी, इस केस में जी इक्वल नहीं आता है, ये लॉग ऑफ यू प्लस बी ही रहता है। अगर इसको हम डायरेक्ट लॉग लगाते तो ये निकले वाला नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसको क्या करना पड़ेगा, विच इम्प्लाइज वाई इक्वल टू इसको क्या लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यू प्लस बी है ना, इसको मैं क्या लेता हूँ पी प्लस क्यू, यहाँ ऐसा करते हैं इसको मैं क्या मानता हूँ पी मानता हूँ, इसको क्यू मानता हूँ, ओके इसको क्या मानता हूँ पी और क्यू, तो यहाँ पे क्या लेते हैं इसको यू मानते हैं और इसको वी मानते हैं, इस पूरे को यू इसको वी मानते हैं, क्लियर। तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी क्या, तो ये क्या आ गया डी बाई अपॉन डी एक्स, ये क्या आएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, दैट इज द फर्स्ट, मीन्स अब हमें चाहिए क्या डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, वेयर यू क्या चीज है, यू है हमारे पास एफ ऑफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स, क्लियर। तो क्या करेंगे इसको, फंक्शन पावर फंक्शन है ना, वाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कॉमा वी, क्या लेंगे हम लॉ लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ यू, ये आएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज लॉग ऑफ यू जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्लियर। क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा हम डायरेक्टली करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन यू विच इम्प्लाइज वन अपॉन यू, यू की क्या है डी यू अपॉन डी एक्स, और ये क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स की क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, राइट, फिर आएगा प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर जी ऑफ एक्स की क्या है जी डैश ऑफ एक्स, राइट, इसका मतलब ये क्या आएगा डी यू अपॉन डी एक्स, यू की मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे ये आ गया जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके जे मेरे पास आ गया। अब यू की क्या वैल्यू दी हुई है हमें, यू की वैल्यू क्या दी हुई है हमें एफ ऑफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स, और इंटू क्या आएगा जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके क्लियर। इसको रखिएगा, इसको रखे ना फर्स्ट, तो इसको रखिएगा सेकेंड। अब नाउ वी क्या, वी पी ऑफ एक्स होल पावर क्यू ऑफ एक्स, सेम ऐसे करना हमने, क्या करेंगे हम वाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कॉमा वी गेट, तो ये क्या आएगा लॉग ऑफ वी, तो ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स होल पावर यू ऑफ एक्स, कौन सा फॉर्म लगेगा लॉग एम पावर एन है ना, तो ये क्या आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स, करो इसको डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी
गेट, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन वी डीवी अपॉन डीएक्स, ये क्या हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स क्लियर, लॉग ऑफ पी एक्स की डेरिवेटिव क्या आएगी वन ऑफ वन बाई पी ऑफ एक्स और ये क्या आ जाएगा पी डैश ऑफ एक्स क्लियर, प्लस लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू क्यू डैश ऑफ एक्स। एनी क्वेश्चन? अब यहां पे आएगा विच इंप्लाइज डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये क्या आएगा वी इंटू क्यू ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इंटू पी डैश ऑफ एक्स, प्लस ये क्या आ जाएगा क्यू डैश ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके जी मेरे पास, अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, v क्या दिया हमें p ऑफ x होल पावर q ऑफ x, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने p q अपॉन x अपॉन p ऑफ सॉरी q ऑफ x अपॉन p ऑफ x राइट इंटू p डैश ऑफ x प्लस q डैश ऑफ x इंटू लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स। एनी क्वेश्चन? क्लियर जी मेरा पास आ गया, इसको नंबर रखिए थर्ड। नाउ पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन स्टार वन कॉमा वीगर, स्टार वन में पुट कर दिया हमने, यहां पे पुट गया तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स, यू नो डी यू अपॉन डी एक्स क्या होता है, जी आता है एफ ऑफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वी वी जी है ना क्या जाएगा पी ऑफ एक्स होल पावर q ऑफ x, ओके इंटू क्या आएगा q ऑफ x अपॉन p ऑफ x इंटू p डैश ऑफ x प्लस q डैश ऑफ x इंटू log ऑफ p ऑफ x। ओके जी मार्क्स, समझे? इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए, अगर बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आए तो हमें उसको u प्लस v लेके करना है, फिर अलग अलग उसको हमने लॉग अप्लाई करके फिर करना है, फिर उसमें पुट करना है। ऐसी एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या एग्जांपल लेते हैं हम, वी हैव एक्स की पावर एक्स प्लस वाई की पावर वाई इक्वल टू वन, फाइंड क्या करना है डी बाई डी एक्स, इसमें क्या फाइंड करेंगे हम डी बाई अपॉन डी एक्स, तो क्या आएगा देखो एक्स है ना फंक्शन पर फंक्शन, क्या करेंगे हम इसको ले लेंगे यू, इसको ले लिया वी और ये क्या रहा वन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी क्या, तो ये क्या आ गया डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, इसको रखिएगा फर्स्ट, क्लियर? इसको इरेज कर दू जब बोला क्या आएगा हमें वेयर यू क्या चीज है भाई एक्स की पावर एक्स है ना, तो क्या लेंगे हम वाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कॉमा वी गेट, जब लॉग लिया तो क्या आएगा लॉग ऑफ यू ये आएगा लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स मीन्स एक्स इंटू लॉग एक्स, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने लॉग एम की पावर एन किसकी बुलाता है एन लॉग एम राइट, लॉग ऑफ यू कीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट, तो ये क्या जाए वन बाई यू डी यू अपॉन डी एक्स, इसको थोड़ा सा डायरेक्टली करते हम क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, लॉग एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है वन बाई एक्स प्लस क्या आएगा लॉग एक्स और एक्स डेरिवेटिव क्या होती है वन, इट मीन्स डी यू अपॉन डी एक्स जाएगा यू इंटू एक्स एस कट गया क्या बच गया वन प्लस
लॉग एक्स। ओके ये हमारे पास आ गया। अब यहां पे क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स। यू क्या है, एक्स की पावर एक्स, वन प्लस लॉग एक्स, राइट, दैट इज द सेकेंड। एंड वी क्या दिया, वाई की पावर, हमने उल्टा तो नहीं ले लिया, वाई की पावर वाई है, ठीक है ठीक है, वाई की पावर वाई। अब क्या लेंगे हम, वाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कमा वी है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वी जाएगा लॉग ऑफ वाई पावर वाई। इट मीन्स हमारे पास क्या बनेगा, ये लॉग ऑफ वी इक्वल टू आएगा वाई लॉग ऑफ वाई। क्लियर, कीजिए इसको डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी, क्या तो ये आएगा वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। वाई लॉग वाई की डेरिवेटिव क्या होती है, वाई लॉग वाई डेरिवेटिव क्या आएगी, वन बाई वाई, फिर वाई की होगी डी बाई अपॉन डी एक्स, वाई की नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, डी बाई डी एक्स, फिर आएगा प्लस लॉग ऑफ वाई, फिर वाई की आएगी तो क्या आएगी, डी बाई अपॉन डी एक्स। एनी क्वेश्चन, जे और जे कट गया, जे आएगा डी वी अपॉन डी एक्स, वी इंटू क्या आएगा वन प्लस, जहां इस टाइप एडिट करते हैं, और डी बाई अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। वी वी क्या दिया हमें, वी क्या हमारे पास, वी वाई पावर वाई, तो यहां पे क्या आएगा, वाई पावर वाई जाएगा वन प्लस लॉग वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर, ये हमारे पास है। अब क्या करेंगे हम, नाउ इसको रखेंगे हम थर्ड, नाउ पुटिंग सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट कॉमा वी, क्या इसमें उठा लेंगे फर्स्ट में, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट डी यू अपॉन डी एस, डी यू बाई डी एस क्या है, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, ओके, और ये क्या आ जाएगा प्लस वाई की पावर वाई वन प्लस लॉग ऑफ वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, हम लिख रहे हैं यहां पे पीछे इम्प्लाइज वाई की पावर वाई इंटू वन प्लस लॉग ऑफ वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये इस तरह किया तो क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से इसको इरेज कर दूं, जाएगा विच इंप्लाइज डी बाई अपॉन डी एक्स जाएगा एक्स की पावर एक्स इंटू माइनस एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स होल अपॉन की पावर वाई वन प्लस लॉग वाई। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी बाई अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एक्स अपॉन वाई की पावर वाई, और ये क्या आ जाएगा, लॉग वन है ना, मैं लॉग ई प्लस लॉग एक्स लिख सकता हूं, लॉग ई प्लस लॉग वाई लिख सकता हूं, क्या आ सकता है ना, ये डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स की पावर एक्स अपॉन वाई की पावर वाई, और ये मैं लॉग ऑफ ई एक्स जे लॉग ऑफ ई वाई, एक ही लॉग फॉर्मूला बदलो, कौन सा लगा, लॉग एम इनटू एन का लॉग एम प्लस लॉग एम। अब यहां पे भी हम आगे ऐसे भी कर सकते हैं, डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स की पावर एक्स अपॉन वाई पावर वाई लॉग ऑफ ई एक्स टू द बेस ऑफ ई वाई। चलो बता फॉर्मूला, लॉग ए अपॉन
लॉग बी जाता है लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ बी, हम ऐसे ले सकते हैं। ओके, ये हमारे पास आंसर है। एनी क्वेश्चन? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक्स की पावर बाई प्लस बाई की पावर एक्स इक्वल टू वन, ठीक है, इसे करना है। ओके, करोगे? करो। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू फॉर वॉचिंग।